इसलिए माइक बाइक नहीं लेना ठीक है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम आमिर है और आपको बता दें कटिहार के सदर प्रखंड यानी कि कटिहार ब्लॉक कैंपस में जो है एक बदमाश के द्वारा जो है किसी व्यक्ति को गोली मारने वाले थे, जिसकी सूचना सहायक थाना अध्यक्ष को मिली। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए महज 2 मिनट के अंदर उक्त स्थल पर पहुंचती है, जिसके बाद अपराधी थाना अध्यक्ष पर पिस्टल टान देते हैं। हालांकि फायरिंग भी की जाती है, लेकिन वो फायरिंग मिस फायरिंग हो जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद सहायक थाना अध्यक्ष ने उस अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसको लेकर कटिहार के पुलिस कप्तान जितेंद्र कुमार ने सहायक थाना में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दिया है। आइए सुनाते हैं सीधे रिपोर्ट में। कटिहार जिला के सहायक थाना अंतर्गत ब्लॉक कैंपस से लगभग 3 बजे सूचना आती है कि वहां पर कोई युवक जो है वो फायरिंग कर रहा है। थाना प्रभारी जो कि पेट्रोलिंग कर रहे थे, इमीडिएटली जो है वहां रश करते हैं तो वहां देखते हैं कि एक युवक जो है वो हाथ में कट्टा लिए हुए है और इनडिस्क्रिमिनेटली जो है वहां पर वो फायरिंग कर रहा है। ये कैंपस में घुसते हैं और जो युवक है वो इनके तरफ भी पिस्टल दिखाता है और संभवतः जो है उसको जब वो फायर करता है तो वो गोली चलती नहीं है, मतलब वो मिसफायर हो जाती है। और थानाध्यक्ष बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए, वन ऑफ द बेस्ट जो इनका अपना एक्ट है उसको करते हुए उस युवक पर ये झपटते हैं, उसका कट्टा को छीनते हैं और फिर जब इनके साथ जो है वो हाथापाई करता है और उसको भी इसी क्रम में जो है कुछ चोट आई है जो कि उसका अस्पताल में जो है इलाज कराया जा रहा है। ये जो पूरी घटना है उसका कारण ये है कि ये युवक जो है ये अमित रजक, इसका दुकान है ब्लॉक कैंपस में फोटोकॉपी का, एक वहीं का एक और आदमी है जो कि उसी में काम करता है, इसका कहना है कि उसके द्वारा इसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। तो आज जो है ये प्लान करके आया था कि उसको जो है उसको मार देगा। उसी क्रम में वो पूरी प्लानिंग के साथ जो है जो भी हथियार लेकर के वहां दुकान में ही रहता है और जैसे ही वो लोग आते हैं तो ये इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग करता है। और जैसे थानाध्यक्ष को जैसे सूचना मिलती है ये विद इन 2 मिनट्स जो है वहां पहुंचते हैं और ये को दिखाते हुए ये उसको पकड़ते हैं और जो भी उसके पास हथियार था उसको भी जब्त करते हैं। तो मैं और इनके साथ 2 कांस्टेबल थे पीछे से, वो भी दौड़ते हुए आते हैं। तो मैं थानाध्यक्ष की ये जो कार्य है इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और इनको जो हमारे पुलिस का जो हाईएस्ट जो अवार्ड होता है उसके लिए मैं यहाँ मुख्यालय को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू।